वो पहली बार जब हम मिले हो गए शुरू ये सिलसिले हो गया ये दिल दीवाना होता है प्यार क्या किसने जाना कीजिए आपने जो कहा है वही होगा लेकिन हाँ अभी आप डैड को कुछ मत कहिएगा
ओके फाइन, मैं नहीं बताऊंगी। अब तू भी जल्दी से रेडी हो जा, तुझे डैड के साथ ऑफिस नहीं जाना। मॉम, आपको लगता है क्या कि मुझे इस सब में इंटरेस्ट होगा? नो, मुझे नहीं जाना है उनके साथ ऑफिस। और वैसे भी मैंने बस उस चिबड़ी से बचने के लिए ये सब कहा था, क्योंकि वो मेरे पास आते तो मुझे एलर्जी है। सो इसीलिए तो प्लीज आप डैड को समझा लीजिएगा। देख, झूठ बोल बोल के मेरा चेहरा भी कैसा हो गया है। मैंने सुना है कि जो झूठ बोलता है उसके चेहरे पर रौनक नहीं होती है, और देख तूने मेरी रौनक खत्म कर दी। मॉम, किसने कहा कि आपके चेहरे पर रौनक नहीं है? आपके चेहरे पर बहुत रौनक है, और जो झूठ अपने बेटे के लिए बोला गया हो वो झूठ नहीं होता। तू ऐसे ही बोलकर मुझे चुप करा देता है। खैर कोई बात नहीं, अब तेरे पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से ऐसे निकल जा, वरना अगर तेरे डैड बाथरूम से बाहर आए ना तो वो सीधे तुझे ऑफिस लेकर जाएंगे। नो नो नो, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ से निकल लेता हूँ। मॉम, जब डैड चले जाएंगे तो फोन करके मुझे बुला लीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ, बाय, आई लव यू, सेम टू यू। सो अब निकल लो जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद जंगकुक वहाँ से भाग जाता है। मैम, आपको वहाँ स्पीच देने जाना है, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से आ रहे हो। रात भर आप कहाँ पर थे मैम? हम लोगों ने आपको कितना ढूंढा। हाँ मैम, हम लोग पुलिस कंप्लेन भी करने वाले थे, लेकिन हमें लगा ही था कि आप किसी क्लब में ही होंगी, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। खैर बताइए ना, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं कहाँ से आ रही हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और मैं क्यों आ रही हूँ ये तो तुम्हें पता ही होगा, क्योंकि मुझे भी याद है कि मुझे स्पीच देने जाना है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गई थी। खैर कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा आराम करके मैं स्पीच देने जाऊंगी। अभी मेरे सर में थोड़ा पेन हो रहा है। नो प्रॉब्लम मैम, आपकी तबीयत खराब रहेगी तो आप स्पीच भी तो नहीं दे पाओगे ना? कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी तबीयत है, तो आप आराम कीजिए, उसके बाद आप स्पीच देने जाइएगा। कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे। ओके, तो अब तुम लोग हटो, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। फिर उसके बाद जिमिन अपने रूम में चली जाती है। जितना उड़ना है उड़ लो जिमिन, वैसे भी अब तुम्हारी जल्दी सीट हमें मिल जाएगी और हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। यही तो हमारा हमेशा से प्लान था, लेकिन क्या कर सकते थे, कभी मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब प्लान बनाएंगे तब तो मौका मिलेगा ही, है ना यंजन? You're right, Rose. और इसी के लिए तो ये कहावत बनी है, जिस थाली में खाना खाना उसी थाली में छेद भी करना। क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर है। अब हमें ये वाली सीट इतनी हजम नहीं हो रही, इसलिए हम सोच रहे हैं सीएम की सीट जल्दी हमारी हो जाए, और इसीलिए तो हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। शांत रहो यंजन, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर उन लोगों ने सुन लिया ना तब तो हम चले ही गए। तुझे पता है, तुझे खबर मिली कि जल्द ही यहाँ पर सीएम आने वाली है, क्योंकि वो यहाँ पर स्पीच देंगे ना, इसलिए। सो तू क्या जाएगा? अपन जॉन जंगकुक है, मुझे सब कुछ पता है, और नेकी और पूछ पूछ जहाँ पर सीएम है वहाँ तो जाना पड़ेगा ही। सच में तुझे लगता है कि सीएम तुझे मिल पाएंगी? जिस शिद्दत से तू उन्हें चाहता है ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो तुझे मिलेंगी, क्योंकि सीएम बहुत ही बड़ा सपना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुझसे पढ़ पाएगी। आई डोंट नो कि वो मेरी हो पाएगी या फिर नहीं, लेकिन हाँ, जब तक मैं हार नहीं मानता तब तक मैं उसे पटाने की कोशिश करूँगा। अगर वो पट गई तो ठीक है, वरना पता नहीं क्या ही होगा उस टाइम, मेरा क्या रिएक्शन होगा मुझे खुद नहीं पता। ये शोर कैसा लगता है, तेरी स्वीटहार्ट आ गई। माय स्वीटहार्ट इज कमिंग, तो मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो दोनों भी वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर जिमिन स्पीच देने आई थी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि इन दिनों में मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, आप सब मेरे हो। मॉम से
पर क्यों? मैं सुबह मिली तो थी, मैं क्या करूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, मॉम कह रही थी उन्हें अपनी बहू से मिलना है, सो इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया था। क्या बहू? पर मैं तुम्हारी वाइफ कब बनी? अभी तो तुम भूल गई कब, कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं। रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी तुमने स्पीच में क्या बोला? क्या कहा? तुमने यही तो कहा कि तुम सब मेरे हो। बोला था कि नहीं? बोला था। तो बस उसी टाइम से मैं तुम्हारा हो गया। लेकिन देख लो, अब तुम अपनी बात से पलट नहीं सकती। तुमने उसे इतना सीरियसली ले लिया, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। हाँ, इसका मतलब तुम अपनी जनता से झूठे वादे करती हो। क्या बात है, मैं सबको जाकर बता दूंगा। वो बस तुम्हारे लिए झूठा था, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं कहा था। ये तो गलत बात है, मैं भी तो जनता का एक मेंबर ही हूँ ना, तो तुम मुझे क्यों नहीं जनता मानती हो? ये तो गलत बात है, मैं धरना उठाऊंगा। तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। ओके फाइन, लेकिन ये गुलाब तो ले लो। ओके थैंक यू, लाओ।